हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? और दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पार्थ एग्रो वेंचर्स पे। और दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले या जो भी अब हम आगे बताएंगे, तो उससे पहले एक निवेदन है, और बहुत भारी निवेदन है। भारी निवेदन ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और रिस्पांस तो खैर अच्छे मिल रहे हैं मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो दोस्त या भाई लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, चलिए अब इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं हम, कि आज का वीडियो जो हमारा है वो किस टॉपिक पे है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा मशरूम रिलेटेड नहीं है, मतलब मशरूम से रिलेटेड नहीं है आज का वीडियो। जैसे जो मेरा काम है, मेरा जो प्राइमरी वर्क है मेरा ऑयल मिल या फ्लावर मिल का, तो दोस्तों इसमें मैंने देखा कि यूट्यूब पे कई सारे चैनल मैंने देखे कि इसमें जैसे एक कोल्ड प्रेस मशीन इसमें आती है। कोल्ड प्रेस मशीन किस लिए? इसके लिए आपके मस्टर्ड ऑयल को मस्टर्ड को क्रश करने के लिए, जो हमारा मस्टर्ड का ऑयल निकलता है। मतलब अब अगर हम हिंदी में या गांव की भाषा में बात करें, तो जो हमारा सरसों का तेल निकलता है और उसकी पेराई जो की जाती है, मतलब क्रशिंग जो हम करते हैं उसकी, तो उसकी पेराई जो होती है, तो उसके लिए एक मशीन मैंने यूट्यूब पर देखा है, कोल्ड प्रेस करके, वो नीली कलर की एक मशीन होती है। तो आज मैं उसकी पोल खोलने वाला हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो जैसे ही मेरा अपलोड होगा, काफ़ी सारे लोगों का मुझे फ़ोन आएगा, जो लोग मशीन के बारे में कुछ भी कहते हैं कि मतलब ऐसे है वैसे है, आप अरबपति लखपति करोड़पति बन जाओगे। तो आज उस मशीन की मैं पोल खोलूँगा कि वास्तव में वो रियलिटी है कि नहीं है, मशीन हमारा वर्क अच्छे से वर्क करती है कि नहीं करती है, उस मशीन की हमारी क्या खासियत है। और जैसे कि जो लोग बताते हैं कि आप एक घंटे में इतना क्रश कर लीजिए, इतना माल निकाल लीजिए, और मशीन की मतलब कॉस्टिंग क्या है और उसका जो मेंटेनेंस है वो क्या है, मैं कौन सी मशीन, मतलब मैं अपने पर्सनल, मेरे कारखाने पे कौन सी मशीन लगी हुई है, अपना निजी ओपिनियन में बताऊंगा, जो मेरा मतलब मैं जैसे अपने यहाँ जो यूज़ करता हूँ, तो हर चीज़ का अब एक्सपीरियंस हो गया है, तो सारी चीज़ें मैं आज क्लियर करूँगा, सबके डाउट क्लियर करूँगा। और एक बार फिर से यही कहूँगा, चाहे मशरूम हो या जो भाई लोग कारखाना लगाना चाहते हैं, वो लोग लाखों करोड़ों के चक्कर में ना पड़े, फिर से कहूँगा, वरना आप बर्बाद हो जाओगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो सॉरी दोस्तों, कल की बात है, मैं कल है जो मुझे अपने कारखाने के लिए एक नई मशीन और लेनी है। तो नई मशीन में मेरा माइंड काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। एक्सपेलर मतलब जिसको गांव की भाषा में कोल्हू कहते हैं, तो मैं एक्सपेलर लूं या कोल्ड प्रेस मशीन लूं, यही मेरे माइंड में कन्फ्यूज़न था कि मतलब मैं एक्सपेलर अगर लेता हूँ, तो उसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी है एक घंटे की, मतलब एक घंटे में वो कितना सरसों हमारा पेराई करेगा, उसकी कैपेसिटी अलग है एक्सपेलर की। और जो ये हमारा कोल्ड प्रेस है, इसकी कैपेसिटी अलग है, और कैपेसिटी अलग में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता तो माइंड उतना डिस्टर्ब नहीं होता, उतना कन्फ्यूज़न नहीं होता। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वही माइंड कन्फ्यूज़ था कि ये लें कि ये लें, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, बस वर्कर मेरा कम लगे, प्रोडक्शन मुझे ज़्यादा मिले, बस मुझे ये चीज़ चाहिए। मशीन चाहे जितने की हो, और मशीन चाहे जितने की क्या, जितने की एक मशीन में वो लूँगा कोल्ड प्रेस, जितने की एक कोल्ड प्रेस लूँगा उतने में दो तीन एक्सपेलर आ जाएंगे मेरे। तो अभी तो बस वही आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि कल मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, कल मैं गया था। अभी तो बस आज कई दिनों बाद अपनी ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी मतलब स्कूल जा रहा हूँ, देखते हैं क्या हाल है वहाँ, स्टाफ का क्या हाल है, बच्चों के क्या हाल हैं। तो दोस्तों, कल मैं गया था अपने
गांव तो नहीं अपने ससुराल गया था, गांव भी कह सकते हैं, अब ससुराल है गांव है बात एक ही है। तो वहां पे एक भाई साहब मेरे यहाँ ससुराल, मेरी ससुराल कन्नौज की है, अगर आप लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा यूपी में कन्नौज राजा महाराजाओं का गढ़ रहा है। तो कन्नौज एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, तो वहाँ की मेरी ससुराल है। तो वहाँ पे एक भाई साहब ने ये कारखाना लगा रखा था, एक्सपेलर लगा, काफ़ी बड़ा कारखाना उन्होंने लगा रखा है, कारखाने तो बहुत हैं, अनलिमिटेड कारखाने हैं मेरी ससुराल में, अनलिमिटेड, हर 10 कदम पे एक कारखाना, इतने बड़े स्तर पे वहाँ लोग काम करते हैं। तो मुझे जब वहाँ पता चला कि किसी भाई साहब ने ये मशीन लगा रखी है कोल्ड प्रेस की, तो मैंने सोचा यार अगर मैं कंपनी जाता यही चीज़ लेने तो वो लोग तो फिर वही, हाँ भाई इतना माल निकालती है, इतना ये है, उतना वो है। मैंने कहा जिसने लगा रखा है वो एकदम सही व्यूज़ देगा मुझे क्या है इसकी रियलिटी। तो मैं भाई पहुंचा उनके कारखाने पे, और बाकी तो मैं अपने लिए एक्सपेलर देख ही आया था, मतलब एक माइंड मेकअप कर लिया था कि एक्सपेलर ही लगाना है, क्योंकि एक्सपेलर में मेंटेनेंस कम है, और उसको हर कोई बना लेगा। जैसे मेरे यहाँ कारखाने पे जब भी एक्सपेलर खुलता है मैं खुद ही बना देता हूँ, बाहर से मिस्त्री नहीं बुलाता हूँ, मैं खुद ही उसको बना देता हूँ, ट्रीट कर देता हूँ बढ़िया से। तो कहीं दिक्कत आती है तो जो हमारे एक चाचा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो उनको काफ़ी नॉलेज है, वो इसी के मिस्त्री हैं, तो फिर उनका सहारा लेना पड़ता है। तो फाइनली फिर लास्ट में मैं पहुंच गया उनके कारखाने, मुझे पता चला, तो मैंने कहा यार देखें एक बार ये है क्या चीज़। मतलब यूट्यूब पे तो बहुत देखा मैंने, बहुत का मतलब बहुत, जितना आप बहुत लगा लीजिए उतना मैंने देखा उसको। तो एट लास्ट मैं पहुंच गया वहाँ पे, फिर मैंने उनसे पूछा भैया ये मशीन कैसा वर्क कर रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप ख़रीदना चाहते हो, मैंने कहा यार अपने कारखाने के लिए मुझे एक लेना है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि अभी नई टेक्नोलॉजी लूँ कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी पीढ़ियों से चली आ रही है उस पे ही अभी चलूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला कि भैया अगर आपको ये वाली मशीन ख़रीदनी है तो आप गेस करिए क्या हो सकता है दोस्तों। आप उसको गेस करिए क्या हो सकता है। तो उन्होंने मेरे से बोला अगर आपको ये मशीन ख़रीदनी है तो आधे रेट पे मैं आपको दे दूंगा, आधे रेट पे, मतलब बंदा आधे रेट पे मशीन मुझे देने के लिए तैयार है। और इस मशीन में 7.5 HP मीन्स 7.5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 15 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर, 25, 30, इस तरह से मतलब काफ़ी रेंज आती है इस मशीन में, जितना आपको पर आवर कैपेसिटी चाहिए, इतना हमको प्रोडक्शन करना है, इतना क्रसिंग करना है, इतना माल निकालना है, उस हिसाब से मशीन आपको लेनी पड़ेगी। तो मैंने भी फिर ये सोचा कि यार ऐसा क्या है, मतलब ये आधे रेट पे, अभी इसको लाए हुए 2 महीने नहीं हुए और आधे रेट पे मुझे मशीन देने को तैयार है। मैंने कहा भैया क्या हुआ, तो वही मतलब सब सारी चीज़ें बताने लगे, इसकी पोल, मतलब पोल खोल खोल के जो बेच रहा है वो तो कहेगा यार मेरा तो साला सब कुछ अच्छा है, वो कभी अपने माल की बुराई नहीं करेगा जो बेच रहा है, लेकिन जो खरीद चुका है वो सारी चीज़ें क्लियर करेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इसको चला सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, मैं अपने, अरे भाई साहब हटाओ यार। तो उन्होंने ठीक कहा, बोला ठीक है आप चला लो। मैंने कहा यार ऐसे आप खरीदे हो इसको तो आप सही कह रहे हो ठीक है, लेकिन एक बार मैं अपने हाथ से चला लूँ इसको, एक्सपीरियंस सब कुछ है, मैं सब कुछ चला लेता हूँ, अपना आटे वाला वो भी चला लेता हूँ और ऑयल वाला भी पूरा काम कर लेता हूँ, काम सब आता है, ऑलराउंडर जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने कहा यार लाओ मैं चला लूँ, तो फिर मैं उसको चलाया। तो मेरा जो पर्सनल अनुभव निकला चलाने के बाद में, तो उसमें दोस्तों मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जो लोग भाई लोग कारखाना लगाना चाहते हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस मशीन के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि जो वो भाई साहब लगाए थे वो 20 HP की थी उनकी, 20 हॉर्स पावर की, और
20 हार्स पावर की मशीन का YouTube पे दिखाते हैं कंपनी वाले या और जो लोग ये जैसे यूट्यूबर वगैरह होते हैं, ये रिव्यू करने जाते हैं या अपना वीडियो बनाने जाते हैं, तो ये लोग 20 HP का 2.5 क्विंटल के आसपास की, मतलब 2.5 क्विंटल मशीन एक घंटे में ये सरसों क्रश करेगी, 2.5 क्विंटल सरसों एक घंटे में ये मशीन हमारी क्रश करेगी, मतलब एक घंटे में 2.5 क्विंटल दोस्तों, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से माइंड थोड़ा इधर उधर हो गया था, 2.5 क्विंटल 2 क्विंटल 50 किलो या 250 किलो माल हमारा ये 20 HP वाली मशीन क्रश करेगी। और जब मैंने उसको चलाया तो उसने मात्र 1 क्विंटल कुछ पार किया था बस, मतलब 100 किलो के आसपास कुछ पार किया था मशीन ने। तो पहली चीज़ तो ये लोग ये झूठ बोलते हैं कि इतना निकालेगी उतना निकालेगी, है ना, ये चीज़ उन्होंने झूठ बोला कि इतना माल निकाल दिया, और 1 क्विंटल कुछ ही पार किया था बस। और दूसरी चीज़ जो लोग ये कहते हैं कि एक बार में हमारी सरसों की पेराई हो जाती है, तो दोस्तों 2 बार मैंने उसको डाला था, दूसरी बार में भी बहुत मतलब भन्नाटेदार तेल निकला, भन्नाटेदार मतलब दूसरी बार में भी तेल गिरा। तो जो लोग ये कहते हैं कि एक बार में क्रशिंग हो जाती है तो झूठ बोलते हैं, 2 बार में तेल गिरा, तीसरी बार हालांकि मैंने नहीं डाला, और तीसरी बार सरसों की खल अगर मैं डाल देता तो तीसरी बार भी मैं तेल गिरा देता। हाँ, तो ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि मतलब ये मशीन अगर हम लगा रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि एक बार में पूरा क्रश कर देगा या 2 बार में कर देगा, तो भाई मैंने तो 2 बार में भी गिरा दिया तेल, तीसरी बार डाल देता तो 101% पूरा चैलेंज के साथ में 101% भी मैं तेल गिरा देता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ पे अब आते हैं, तो जो इसका प्राइस है, जो ये भाई साहब 20 HP के लगाए थे 5 लाख कुछ हज़ार की पड़ी थी, 5 लाख कुछ हज़ार मतलब 5 लाख के क्रॉस कर गई थी। और अगर हमको 1 क्विंटल ही निकालना है, अगर हमको 1 क्विंटल माल ही निकालना है घंटे में, तो हम 6 वोल्ट की आर लगा देंगे, जो पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही हैं मशीनें, एक्सपेलर जो हमारे पुराने चले आ रहे हैं, बोल्ट 6 वोल्ट 4 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट 18 वोल्ट, तो हम एक्सपेलर लगा देंगे 6 वोल्ट के 2 लगा देंगे, 1 क्विंटल 20 किलो आराम से निकलेगा। मेरे यहाँ तो जो मशीन लगी है 6 वोल्ट की, वो 70 किलो, मैं जिस समय खड़ा हो जाता हूँ मशीन पे, मतलब मुझे देख के मशीन तुरंत भागने लगती है, 70 किलो 75 किलो एक घंटे में मैं निकाल देता हूँ 6 वोल्ट में। और मेरा ये वीडियो, जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं भाई लोग या जो इन सब चीज़ों का वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर लोग, मेरे यहाँ के देख सकते हैं, बंदा जिस समय खड़ा हो जाता है 70 किलो माल तो निकल ही जाता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, जब मुझे 1 ही क्विंटल निकालना है तो मैं एक्सपेलर 2 लगा दूंगा, और 2 एक्सपेलर लगा दूंगा तो 2 एक्सपेलर की जितनी हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, उससे 10 गुना मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी है आपकी कोल्ड प्रेस मशीन की, बस आप ऐसे समझिए। अब वो भाई साहब मुझे बताने लगे कि अभी मेरा कुछ गड़बड़ किया था, तो इसको मैंने कंपनी से बंदा आया, वो 10,000 रुपये ले गया, बताइए 10,000 रुपये ले गया, और उसके बाद में उसमें जो भी उसने डाला हो, मतलब जो भी मशीनरी जो भी चीज़ें उसमें पड़ी हो मशीन में, तो 10,000 रुपये ले गया, ऊपर से और पैसे लिया मशीन जो भी मतलब उसमें पार्ट्स वगैरह डाले हों, तो कह रहे हैं उतने का तो हम इसमें काम भी नहीं कर पाए थे। हमने कहने लगे उतने का तो हमने काम भी नहीं किया, और तुरंत पैसे चले गए, मतलब मशीन खरीद के लाया उसके बाद तुरंत मिस्त्री ले गया, वाह भाई वाह। तो ये सब चीज़ें हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत है। जिस समय आपका जो मतलब चैम्बर होता है हमारा, जहाँ पे क्रशिंग होती है सरसों, जहाँ पे हमारा पिरता है, तो अगर वो चैम्बर कभी हमारे इसमें चेंज हुआ, मेरा जो एक्सपेलर है या जो ये पुरानी परंपरा एक चली आ रही है, तो इस एक्सपेलर में कॉस्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 हज़ार रुपये बस। और अगर ये जो कोल्ड प्रेस आ रहे हैं, इसमें अगर कभी भी कुछ भी चेंज हुआ, तो मोटा मोटा आप 50,000 रुपये रख लीजिए, क्योंकि जो इसका चैम्बर का जो भी शुरुआत में वो लगता है, मुझे नाम हम नहीं उतना ध्यान है, तो वो सब चीज़ें 70-72 हज़ार रुपये की पड़ती हैं।
बस ये चीज़ है, कहाँ 70-72, कहाँ 5,000 रुपये, 2,000-5,000 रुपये। तो बस दोस्तों, आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि हमारी जो ये कोल्ड प्रेस मशीन है, जो ये कंपनी वाले दिखाते हैं या जो ये यूट्यूबर दिखाते हैं, एक घंटे में इतना माल निकालिए, दिन भर में 10,000 कमाइए, 5,000 कमाइए, 15,000 कमाइए। तो दोस्तों, आप इस चक्कर में मत पड़िएगा। मेरा ये पर्सनल अनुभव है। हालांकि कल मैं वहाँ पे मेरे साथ कोई था नहीं, अदरवाइज़ मैं वीडियो पूरा बना लेता उसका। मेरे साथ कोई था नहीं तो बस यही गड़बड़ हो गया। तो जैसे मैं अभी आपसे वीडियो उसका शेयर नहीं कर पाऊँगा कि मेरा कल का क्या अनुभव रहा। पूरा मैंने एक्सपेलर चलाया उसको, एक्सपेलर नहीं, कोल्ड मशीन कहेंगे। पूरा मैंने चलाया और उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि उसमें नीचे से गाद बहुत गिरती है। परेशान हो जाएगा बंदा जो चलाएगा, जो लेबर या जो भी वर्कर आप रखोगे वो परेशान हो जाएगा बेचारा। इतनी गाद उसमें नीचे गिरती है कि बार बार वो उस गाद को खींच के दोबारा फिर से उसमें डालेगा। तो गाद बहुत गिरती है, कास्टिंग बहुत ज़्यादा है। बताइए, 5,000-5,00,000 रुपए की हम मशीन लेंगे, उसके बाद में उसमें एक क्विंटल हमारा माल निकलेगा मात्र, फ़ायदा क्या है? हम एक स्पिलर लगा देंगे 2,00,000 रुपए का, तो हमारा उसमें 70-80 किलो माल निकलेगा एक घंटे में। और स्पिलर की मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, रिपेयरिंग कॉस्ट जो भी है, उसके पार्ट्स कॉस्ट जो भी हैं वो बिल्कुल कम है। अब इसमें आप मोटा मोटा सीधे 10,000 से 15,000, 20,000, 10,000 तो मिस्त्री ले जाता है, और पार्ट्स कोई चेंज हो गया तो 50,000 रुपया सीधा चला गया आपका। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा जो पर्सनल अनुभव है, मैंने कल इसका अनुभव किया, मेरा माइंड काफ़ी कंफ्यूजन में था कि मतलब क्या करूं, कौन सी मशीन लूं। मुझे बस प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन हो मेरा, बस पैसे की दिक्कत नहीं। तो अब इसमें YouTube पे देखता था 2 क्विंटल निकालो घंटे में, 2.5 क्विंटल निकालो, 1.5 क्विंटल निकालो, 3 क्विंटल निकालो। अरे यार, मैंने कहा यही लेना है अब तो, बस दिन भर तेल निकले, चाहे अपना निकले, चाहे मशीन का निकले, चाहे सरसों का निकले, तेल निकलना चाहिए दिन भर। तो बस वही था दोस्तों कि जब कल मैं गया ससुराल, कल भाई दूज जो होता है दीपावली में, तो उसका अवसर था। तो इसी अवसर पे गांव गया वहाँ, तो पता चला कि भाई कोई बंदा लाया है। जिज्ञासा हुई कि देखें भाई उसको, हम अपने हाथ से चला के देखें। बस पहुँच गए। तो जो अपना पर्सनल अनुभव कहता है कि दोस्तों, आप लोग इस चक्कर में मत फंसिएगा। ये 2,000-5,00,000 रुपए आप अपने मत बर्बाद करिएगा। इससे अच्छा है कि आप अगर कारखाना लगाना चाहते हैं तो आप एक्सपेलर लगा दीजिए। कल को एक्सपेलर में अगर कोई भी सर्विस वो मांगता है एक्सपेलर, तो आप उसको खुद से ठीक कर लोगे। इसका ABCD मुझे भी नहीं आता था, ABCD इसका मुझे भी नहीं आता था, लेकिन जब लग गया अपने यहाँ, धीरे धीरे सब नॉलेज हो गई। अब तो आज की तारीख में ये है कि पूरा एक्सपेलर खोल के अपने आप बांध देते हैं, सब सही कर लेते हैं। बस ये चीज़ है। और इसकी मशीनरी जो ये आपकी कोल्ड प्रेस है, इसमें आपको बंदा बुलाना पड़ेगा, 5,000-10,000 रुपये वो अपनी सर्विस कॉस्ट ले जाएगा, उसके बाद में जो पार्ट्स आपका चेंज होगा उसका पैसा अलग से। तो ये सब दिक्कतें हैं इसमें, बहुत दिक्कतें हैं। मैंने कल वहाँ देखा तो बेचारे भाई साहब बहुत परेशान थे। हालांकि उनकी स्थिति नहीं थी ये 5,00,000 रुपये या 6,00,000 रुपये लगाने वाली, उन्होंने लगा दिया YouTube पे ही देख के। उन्होंने मुझसे बोला भी कि YouTube पे हमने देखा था, मुझे अच्छा लगा तो एक्सपेलर में, एक्सपेलर वो अपना बेच भी दिए, मतलब एक्सपेलर उन्होंने बेच भी दिया। बेचने के बाद में ये मशीन ला के लगा दी। अब उससे बहुत दुखी हैं बेचारे, रो रहे हैं कि कोई ख़रीद ले इसको। 6,00,000 रुपए की यार कौन मशीन खरीद लेगा, 5-6,00,000 रुपए की। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और 5-6,00,000 रुपए कौन खरीद लेगा, फिर वो अपना एक्सपेलर भी बेच चुके हैं। अब अगर ये है कि वो कबाड़ में भी बेचेंगे, तौल के, मतलब उसको कबाड़ में लोहा उसका तौल के भी जाएगा, तो बहुत हद है, 70-80,000 रुपए बस कबाड़ में, 70-80,000 रुपए तौल के जाएगा। और उसके बाद अगर वो नया एक्सपेलर लेने के सोचेंगे भी, तो 2,00,000 रुपया चाहिए भैया, 6 बोल्ट का सबसे छोटा जो आप लगाएंगे, 2,00,000 रुपया एक्सपेलर के लिए चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ है सारी। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज़,
जो भाई लोग अगर ये कोल्ड प्रेस मशीन के लिए सोच रहे हो तो इसका अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप एक्सपेलर लगा लीजिए, आराम से एक्सपेलर से काम करिए, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, हर जगह मिस्त्री आपको मिल जाएंगे, आप खुद से ही 2-4 महीने बाद आप खुद से बनाने लगोगे जैसे मैं बनाने लगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको कितनी गाद नीचे गिरानी है, कितना तेल गिराना है, सब आप अपने आप सेट कर लो, बस चैम्बर में पत्ती उतनी भरनी पड़ती है, सब अपने आप सेट कर लोगे, इसमें कुछ नहीं करना है। तो प्लीज़ ये जो लोग भी ये 2 लाख पर डे 2,000 कमाओ, 5,000 कमाओ, इतना क्रसिंग करो, इतना तेल बेचो, इतना ये करो, इतना वो करो, तो आप प्लीज़ इनके चक्कर में मत पड़िए। और जो यूट्यूबर भाई साहब लोग हैं, अगर मेरा ये वीडियो उनको बुरा लगा तो इसके लिए भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, मैंने वो बताया है ना, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है। क्योंकि आप लोग क्या है, आप लोग को चैनल अपना ग्रो करना है, आप लोग को बस पैसा कमाना है। भाई यार, किसी का मेहनत का पैसा होता है, 5 लाख रुपया कोई कम नहीं होता है। 20 HP मशीन खरीदने के लिए 5 लाख प्लस GST, तो वो हमारा 6 लाख में पहुँचेगा, तो ये पैसा इतना कम नहीं होता है। मैं खुद जा रहा था ये मशीन लेने, लेकिन अब इत्तेफाक से मुझे पता चल गया कि हाँ वहाँ लगी है, मैं खुद गया, चलाया, देखा, जिन्होंने ख़रीदा उनका उनसे सब पूरी जानकारी ली, तो बेचारे वो रो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस मशीन के चक्कर में मत पड़िएगा, अगर आपको लगाना है तो आप एक्सपेलर लगा लीजिए। एक्सपेलर आप लोग अगर नया नहीं खरीदने के उसमें हैं तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पुराने एक्सपेलर दिला दूंगा सही रेट पे। सही रेट पे मतलब ऐसे जैसे 2-3 लाख रुपए का एक्सपेलर आएगा तो मैं उसको आपको 1 लाख 1.5 लाख वो मतलब जितना पुराना होगा उस हिसाब से मैं आपको दिला दूंगा। बहुत पुराने एक्सपेलर 50,000-90,000 बहुत हैं मेरी नॉलेज में बहुत एक्सपेलर हैं, तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे मैं आपको दिला दूंगा। हालांकि मैंने कल ये सारा जब देखा तो मैंने अपना डिसीजन चेंज किया, मैं भी कोल्ड प्रेस की तरफ जा रहा था, तो फिर जब ये चीज़ देखी मैंने तो तुरंत मैंने कहा भैया इसको नहीं लूँगा, तुरंत मैंने मना किया और मैंने एक्सपेलर लिया। हालांकि 9 बोल्ट का नहीं लिया क्योंकि वर्कर जो हमारे यहाँ हैं तो मैंने सोचा कि 9 बोल्ट या 12 बोल्ट 18 बोल्ट लगाने कोई मतलब नहीं है, 6 बोल्ट के एक्सपेलर बढ़ाते चले जाओ, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो। उसमें मेंटेनेंस में क्या होता है कि 1-2 बंदे उसको अकेले संभाल लेंगे एक्सपेलर को, बस ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने 6 बोल्ट का एक्सपेलर कल ले लिया है और मे बी 1 हफ्ते में वो हमारे यहाँ इंस्टॉल भी हो जाएगा, और इसको आप मत लीजिएगा प्लीज़। आपके पास पैसा है, दरिया पैसे का दरिया बह रहा है तो आप बिल्कुल बहा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो दोस्त लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा लगाएं, क्या लगाएं, कैसे लगाएं, या जिनका पैसा बहुत मेहनत का पैसा है, हराम का पैसा नहीं है, तो वो लोग प्लीज़ इसमें पैसा मत बर्बाद करिएगा। आप एक्सपेलर लगा लीजिए, कोल्हू जिसको कहते हैं, आप कोल्हू लगा लीजिए, बहुत अच्छा सब कुछ होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, हर जगह मिस्त्री मिल जाएगा, आप खुद से 2-4 महीने बाद रिपेयर करने लगोगे। और जितनी दिक्कतें इसमें आती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन दिक्कत, रोज़ दिक्कत, उससे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको एक्सपेलर में, तो आप एक्सपेलर की तरफ जाइए। और अब दोस्तों, बस स्कूल पहुंचने वाला हूं तो वीडियो को मैं अपना ख़त्म कर रहा हूं। और बाकी अगर जो यूट्यूबर भाई को या जिस कंपनी वाले ये आपका कोल्ड प्रेस का काम करते हैं तो अगर उनके मन को ठेस पहुँची हो तो भाई क्षमा करिएगा, लेकिन जो रियलिटी है मैंने वो दिखाई है, मेरा जो अनुभव कह रहा है रियलिटी। हो सकता है उनकी मशीन में कुछ गड़बड़ी हो, ये भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा अनुभव कह रहा है, मैंने थोड़ी देर चलाया, कस्टमर से बात किया जो मशीन ख़रीद के लाया, अब मुझे मशीन वो जो कह रहा है बंदा जो मशीन ख़रीद के लाया जिसने 6 लाख रुपया खर्च किया है, और जो मैंने अनुभव किया वहाँ पर उतनी देर, तो वो सब चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। और अगर बुरा लगा हो तो फिर से भाई मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से, बस ये है कि भ्रमित मत करिए किसी को, क्योंकि मेरा बहुत पैसा डूबा है बिजनेस में, तो मैं जानता हूँ कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे पैसा आता है, कितना मेहनत का पैसा होता है। तो प्लीज़
ये लाखों करोड़ों अरबों के सपने, ये नई हमारी जो जनरेशन आ रही है सब बिजनेस की तरफ भाग रही है, तो प्लीज़ इनको भ्रमित मत करिए, इनका घर बार इनके गार्जियन का पेरेंट्स का पैसा मत डुबाइए। आपको मशीन बेचनी है, आप अमीरों को या जिनके पास पैसे कमी नहीं है इंडिया के बाहर, अपना ऐसे कुछ भी कर लीजिए यार, बिजनेस बहुत हैं, बिजनेस बहुत हैं, बस ये नहीं कि चूतिया बना के बस ऐठ लिया पैसा, ये मत करिए बस प्लीज़। और दोस्तों इसी के साथ में अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी मे बी मैं 2-3 दिन में फार्म पे जाऊंगा, मशरूम फार्म पे, तो उसकी वीडियो अपलोड करूंगा, और जो हमारी मशीन नई आएगी उसका इंस्टॉलेशन जब होगा तो उस अगर मुझे टाइम मिला या मौके पे मैं हुआ तो उसकी वीडियो अपलोड करूंगा। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या होगी हमें नहीं पता है, आज की वीडियो हमारी ये थी। पोल खोल मतलब सबकी पोल खोली मैंने, एक्सपेलर की भी और अपना कोल्ड प्रेस की भी। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।